हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार, डीआरडी क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएचएम के कुछ क्वेश्चंस के बारे में, और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी के बारे में, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी एसएचएम का क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ठीक है ना, और उससे रिलेटेड ग्राफ, साथ ही साथ एनर्जी पर बेस्ट क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से भी देखेंगे कि कैसे हम लोग मिनिमम टाइम में उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है टू पार्टिकल्स एक्सक्यूट एसएचएम, ठीक है ना, टू पार्टिकल एक्सक्यूट एसएचएम ना एट स्ट्रेट लाइन हैविंग सेम एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड, इफ दे क्रॉस ईच अदर एट ए बाय टू देन फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है ना। अब देखो इसको हम लोग समझते हैं कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखो यार, अब यहां जो हमारे पास है वह क्या है कि अगर मान लो हमने बताया था पिछले क्लास में कि भाई यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया और ऐसे मूव करके यहाँ, ठीक है। अब पार्टिकल जो है, समझना, पार्टिकल जो है पहले कहाँ है, ए बाई टू पर, तो ए बाई टू है ना, एट ए बाई टू, ठीक है, मान लो ए बाई टू यहाँ, ए बाई टू यहाँ है, ठीक है। अब देखो a by 2 यहां है तो अगेन क्रॉस कब करेगा, जब इस तरीके से पार्टिकल यहां आ जाएगा ना। अगर मान लो इसको हम p पॉइंट मान लें, ठीक है, और अगर a जो है इस पॉइंट पर आएगा तो ये पॉइंट को q मान लें, और यहां भी क्या है a by 2, पार्टिकल ऐसे गया, ठीक है ना, और ऐसे आ गया, ये इस पॉइंट पर क्रॉस करेगा। तो वही हमसे पूछ रहा है कि जब एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो फेज में डिफरेंस क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब यहां देखो, यहां तो अगर हम देखें तो ये जो एंगल है यहां तो 0 डिग्री है भाई, और यहां कितना है 90 डिग्री, और यहां कितना है बता दो 180 डिग्री, बहुत अच्छा, ठीक है भाई। तो अगर देखो यहां से ए बाई टू गया, तो ए बाई टू गया तो कितना फेज होगा, ए बाई टू पर जब पार्टिकल रहता है तो फेज कितना होगा, इसके बारे में सोचते हैं। तो जैसे मान लो कि हमारे पास a बाई टू है तो उसको मान लेते हैं 1 बाई टू, बताए हैं इससे पहले हम लोग इस पर क्वेश्चन, 1 बाई टू का मतलब साइन 30 डिग्री है ना। तो यानी क्लियर है कि जब इस पॉइंट पर है तो इसका फेज कितना है भाई, बताओ बताओ 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री, क्लियर है। अब देखो, अब यहां से यहां आ रहा है तो फाइव वन मान ले, जब पी पर आता है तो पी पर जब पार्टिकल है तो फाइव वन का वैल्यू है 30 डिग्री, चलो अलग फेज तो हमको निकल गया। अब यही पार्टिकल जब Q पॉइंट पर आता है तब फेज देखते हैं उसका क्या होगा। अब ऐसे समझना, थोड़ा समझना, अगर मान लो इस पॉइंट से ये O पॉइंट मान ले, इसको हम O पॉइंट मान ले, है ना, O पॉइंट मान, तो O पॉइंट से यदि यहां इस पॉइंट पर आता, ठीक है ना, इसको S मान लेते हैं यार, इसको कुछ पॉइंट मान लेते हैं S, समझने में आसानी होगा, S पॉइंट, यदि O से S पर पार्टिकल आ जाता तो कितना फेज हो जाता, 180 डिग्री होता, इतना तो क्लियर है, देख रहे हो ना, O से S पर आता तो 180 डिग्री फेज होता, लेकिन क्या S पर पहुंच रहा है, नहीं, क्रॉस कर रहा है कहां, Q पर, तो कितना पहले क्रॉस किया था, ये तो A by 2 पर क्रॉस कर रहा है ना, तो 30 डिग्री पहले ही ये क्रॉस कर गया, अगर यहां क्रॉस करता तो फेज दूसरे का कितना हो जाता, 180 डिग्री हो जाता, लेकिन एक क्यू पॉइंट पर ही क्रॉस कर जा रहा है तो क्यू पॉइंट कहां है, 180 से तो पहले है, कितना पहले है 30 डिग्री पहले, तो हम फाइ टू निकाल लेंगे, फाइ टू इक्वल टू आएगा 180 डिग्री माइनस कितना पहले है 30 डिग्री, यानी कितना आ गया बताओ 150 डिग्री आ गया, यानी जब पार्टिकल इसको क्रॉस करेगा उस समय फेज इसका कितना होगा 150 डिग्री, जब क्यू पॉइंट पर होगा। अब दोनों का, जब P पॉइंट पर था तो फेज 30 था, जब Q पॉइंट पर आके क्रॉस किया तो फेज हो गया 150, तो चेंज इन फेज हम लोग निकाल सकते हैं, फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, तो फेज डिफरेंस जो आ जाएगा, ध्यान रखो, फेज डिफरेंस डेल्टा फाइ इक्वल टू फाइ टू माइनस फाइ वन, मतलब 150 माइनस 30 मतलब 120 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा फाइ इक्वल टू, है ना, डेल्टा फाइ इक्वल टू, ठीक है, 2 पाई बाय 3 आ जाएगा,
डेल्टा फाइव इक्वल टू 2π/3। 120 को 2π/3 लिख सकते हैं, 5/3 60 डिग्री या 60 इंटू 2 120 डिग्री, यानी इस केस में जो फेज डिफरेंस आएगा 2π/3 आ जाएगा। तो इसको पहले नोट कर लो, फिर आगे की बात करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बड़ा सिंपल है ना। देखो अगला क्वेश्चन है, टू पार्टिकल डूइंग एसएचएम ऑन सेम स्ट्रेट लाइन पाथ हैविंग सेम ए एंड टी, मतलब एम्पलीट्यूड सेम है और टाइम पीरियड भी सेम है दो पार्टिकल का, ठीक है। इफ मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन देम इज ए, यानी दोनों पार्टिकल के बीच मैक्सिमम सेपरेशन क्या दे रखा है ए, देन फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन देम, तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस हमको कैलकुलेट करना। बड़ा सिंपल है, देखो भाई यहां हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, यहां हम लोग यहां फेज मतलब ऐसे देखें, इस पॉइंट पर पार्टिकल P1 है भाई और इस पॉइंट पर पार्टिकल P2 है, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, यहां ड्रॉ करें तो समझ में आएगी चीजें। अगर दोनों के बीच का सेपरेशन देखा जाए तो कितना दे रखा है क्वेश्चन में ए, और ये पार्टिकल P1 है और ये पार्टिकल P2, क्लियर है भाई, ठीक है ना। अब यहां देखो, ठीक है ना, अब यहां देखो, यहां कहीं मीन पॉइंट होगा, इसका मीन पॉइंट कहीं यहां होगा भाई, ध्यान रखो मीन पॉइंट कहीं यहां, मीन पॉइंट, ठीक है। अब मीन पॉइंट से P1 कितना है, टोटल A है, तो इधर का जो डिस्टेंस हो जाएगा A by 2 और इधर भी कितना हो जाएगा A by 2, तो A by 2 है तो इधर का फेज कितना आ जाएगा, A by 2 है तो 1/2 मतलब 30 डिग्री, तो इधर का फेज हो जाएगा 30 डिग्री भाई, और इधर भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो इसके फेज से इसके फेज को माइनस करना है तो 30 में से माइनस 30 करेंगे, तो हमारे पास डेल्टा फाइव जो आ जाएगा 30 डिग्री माइनस माइनस 30 डिग्री, ठीक है ना, P1 के लिए माइनस 30, तो कितना आ जाता है 30 60 डिग्री, यानी फेज डिफरेंस जो आ जाएगा वह क्या आ जाएगा इस केस में 30 डिग्री आ जाएगा, क्लियर है। तो यहां तक तो सबको समझ में आया होगा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो टू पार्टिकल्स एक्सक्यूट एसएचएम ऑन सेम स्ट्रेट लाइन पाथ हैविंग सेम एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड भी सेम है टाइम पीरियड भी सेम है, फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर इफ वन पार्टिकल, टाइम टेकन हमको निकालना है जब एक दूसरे को क्रॉस करता है, और क्रॉस कैसे करता है ध्यान रखो, कह रहा है कि पार्टिकल वन पार्टिकल जो है ए बाई टू पोजिशन पर है और दूसरा पार्टिकल माइनस ए बाई टू पोजिशन पर है, ठीक है। देखो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, बड़ा सिंपल है, देखो यहां जो हमारे पास है, ठीक है, और ए जो है ए बाई टू यानी मीन पॉइंट का यहां मान लेते भाई, मीन पॉइंट का यहां है, और इधर जो हो जाएगा माइनस ए बाई टू माइनस, ठीक है। तो मीन पोजीशन से पहला पार्टिकल P1 यहां है और दूसरा पार्टिकल P2 यहां, ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब क्या होगा, ध्यान रखना कि एक दूसरे को क्रॉस करता है और मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब ईच अदर का मतलब P1 इस डायरेक्शन मूव कर रहा है और P2 इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये कितना है, ये एंगल हमारा अगर a बाई टू पर है तो एंगल कितना है 30 डिग्री, और a बाई टू पर है तो एंगल कितना है 30 डिग्री, और इधर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और इधर भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यहां तक तो क्लियर है। P1 और P2 एक दूसरे के टुवर्ड्स एक दूसरे करीब आ रहे हैं, तो इसको हम लोग को क्या करना होगा समझना है कि हम लोग ऐसा करते हैं कि किसी हम लोग जो है इसका अप्रोच जो लेंगे वह रिलेटिव मोशन से लेंगे। रिलेटिव मोशन में क्या होता था कि एक पार्टिकल दूसरे को क्रॉस करता था या फिर कहे एक दूसरे से कोलिजन करता था, मान लो एक पार्टिकल इधर जा रहा है और एक पार्टिकल इधर ऐसे क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग जब रिलेटिव मोशन का अप्रोच लेंगे तो क्या करेंगे, एक पार्टिकल को रेस्ट मान लेते और दूसरे पार्टिकल को मूव कराते, ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, ऐसा करते हैं हम P1 को रेस्ट में मान लिए और P2 को मूव करा दिए, ठीक है ना। P2
P1 को रेस्ट मान लिया, P2 को मूव करा दिए, तो क्या होगा, P2 कितना डिस्टेंस कितना फेज कवर करेगा, तो यहां जो है डेल्टा फाई जो आ जाएगा, फर्स्ट की बात कर रहे हैं ठीक है ना, फर्स्ट की डेल्टा फाई जो आ जाएगा, मतलब ऐसे समझ लेते हैं इसको है ना, ऐसे समझ लेते हैं डेल्टा फाई इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री ना, 30+30 60 डिग्री। तो अगर 60 डिग्री की हमने बात करा है तो ये 60 डिग्री जब पर आएगा P1 और P2 ठीक है ना, P1 और P2 मतलब क्लियर है कि दोनों के बीच का P1 और P2 जो पार्टिकल दोनों के बीच का फेज आ गया 60 डिग्री। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल कितना फेज कवर किया होगा, तो हम Φ1 को माने ठीक है ना, Φ1 को मान लिया तो लिख सकते हैं डेल्टा फाई अपॉन टू मतलब 60/2 मतलब 30 डिग्री है ना, और ये जो आ जाएगा Φ1 का 30 डिग्री का मतलब हुआ Φ/6 है ना, Φ/6। अब ध्यान देना समझना, यहां जो Φ1 की बात हमने किया सिंगल कितना कवर किया फेज, देखो एक्चुअली हमने इसको सॉल्व करने के लिए टोटल फेज डिफरेंस निकालने के लिए ऐसा मान लिए है कि P1 रेस्ट में, लेकिन क्या एक्चुअली P1 रेस्ट में है, तुम कहोगे नहीं सर P1 तो रेस्ट में नहीं, ये भी इधर आ रहा है भी इधर आ रहा ठीक है ना, तो फिर अच्छा ऐसे भी समझ सकते हैं ना, देखो P1 कितना क्रॉस कितना चला हुआ कितना फेज चला हुआ 30 और P2 कितना चला हुआ 30, तो जब ये 30 चला होगा तो इस पॉइंट पर आएगा, ये भी 30 चलेगा, यानी जब दोनों 30-30 चलेगा तभी तो एक दूसरे को क्रॉस करेगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका हमने बता ही दिया कि एक को आप रेस्ट में मान लो, एक को रेस्ट में मानो, बहुत अच्छा। अब जब रेस्ट में उसको मान लिए ना, तो क्या करना होगा हमको, रेस्ट में मानने के बाद मूव कराओ इसको, ये कितना चलेगा फेज 60 डिग्री। तो अब जो है ना सिंगल का फेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड किया 30 डिग्री, यानी Φ1 का वैल्यू आ गया Π/6। तो Π/6 आ गया, तो हम लोग यहां से टाइम निकाल सकते हैं, टी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं बताओ, इसको ब्रेक करो, टी अपॉन टाइम जो लगेगा है ना, कितना टाइम में क्रॉस करेगा यहाँ लिखें, तो हम यहाँ लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू इसको टी और 2 से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 6 यानी T/12 आ जाएगा, क्लियर है। तो फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे कितने टाइम में, T/12 टाइम। तो पहले इसको नोट कर लो है ना, फिर दूसरा पार्ट हम लोग करते हैं। अब दूसरे पार्ट में देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ठीक है ना, एक चीज और से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे मान लो अभी हमने जो बताया उसको ऐसे भी समझा सकता है ठीक है ना, एक फेजर ड्रॉ कर लेते हैं ना भाई, और ये कुछ ऐसे पार्टिकल जो है ना, ये कुछ ऐसे पार्टिकल P1 यहाँ और P2 यहाँ, ये एंगल अभी हमने निकाला था ये 30 है और ये भी क्या है 30 ठीक है ना। अब मान लो P1 जो है इस डायरेक्शन मूव कर, तो P1 यहाँ पहुंच गया और P2 मूव करके यहाँ पहुंच गया ना, ये ऐसे जा रहा है ऐसे ठीक है, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो क्या एक दूसरे को क्रॉस करेगा, तुम कहोगे हाँ सर एक दूसरे को क्रॉस करेगा ठीक है ना, इधर और इधर। तो अगर एक दूसरे को क्रॉस करना है तो P1 कितना फेज चला 30 डिग्री और P2 भी कितना चला 30 डिग्री, इंडिविजुअल जो है ना कितना चल रहा है 30 डिग्री चल रहा है ना, तो 30 डिग्री चलने में कितना टाइम लगा T/12 यानी T/12 में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, क्लियर है। चलो सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं इसी का, बड़ा सिंपल है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है वन पार्टिकल इज एट A/2 + A/2 अदर एट -A/2 एंड मूविंग अवे इच अदर, अभी टुवार्ड्स इच अदर था, देख रहे अभी टुवार्ड्स इच अदर था, अब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तब जो है कितना टाइम लगेगा जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। देखो इसको समझते हैं कैसे करते हैं, यहां देखो सेकेंड पार्ट में इसका हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ले लिया, अब यहां जो है मेन पॉइंट हमने ले लिया, बहुत अच्छा ले लो भाई, और यहां कहीं पार्टिकल है +A/2 पर और यहां पार्टिकल है -A/2 पर। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दोनों एक दूसरे से अवे जा रहे हैं, अवे जा रहे ठीक है ना, तो ए एंगल कितना 30 डिग्री 1/2, ए भी 1/2 यानी 30 डिग्री, इधर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि यहां से और एक्सट्रीम पोजीशन का 90 होता है, तो इधर 30 तो इधर 60, उसी तरह ये भी 60 डिग्री, क्लियर है। तो अब ये हमारे पास आया, अब देखो क्या हो रहा होगा, जब भी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे
इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम थोड़ा सा फिगर को यहाँ ड्रॉ कर लें, समझ में आ जाएगा कि अगर यहाँ से ऐसे करके ये ऐसे आ रहा है ना भाई, ये सब ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या था, a बाई टू, क्या था, a बाई टू है ना, a बाई टू, और इधर कितना है 60 डिग्री है ना। और यहाँ पार्टिकल जो है, पार्टिकल ये p1 है, समझना, ये p1 पार्टिकल, हम इसको क्या मान ले, इसको हम p1 मान लेते हैं भाई, और इसको मान लेते हैं p2 है ना। तो p1 और p2, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर p1 है, इस पॉइंट पर ध्यान रखना, इस पॉइंट पर p1 है ना, और यहां कहीं, यहां कहीं क्या है, p2 है, हम ऐसा मान, ठीक है ना। तो क्या कर रहा होगा अगर इसको इसके पास पहुंचना, हमने बताया था कि रिलेटिव मोशन का यूज करेंगे, थोड़ा सा और इसको अच्छे से कर लें और समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा हम इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। यहां जो है ना ये P2 है, ऐसे समझ लें, बड़ा सिंपल, ठीक है भाई। ये हो जाएगा 60 डिग्री और इधर हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि A बाई टू पर है, A बाई टू पर है, और A एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, यहां से यहां तक 180 डिग्री। तो ध्यान रखना, यहां हमने क्या माना था भाई, यहां हमने माना था बेटा P1, क्या माने थे P1, और यहां क्या मान रहे हैं P2, बहुत बढ़िया। उसी फिगर को जो हमने ऐसे करके बनाया था ना, उसी फिगर को हम ऐसे बना लिए, समझने के लिए आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब यहां देखो, ये जो है ना P2 इधर जा रहा है, P1 इधर जा रहा है। अब जैसे हमने इसे पहले वाले क्वेश्चन में कहा था कि रिलेटिव मोशन का आप यूज करो, और रिलेटिव मोशन को यूज करेंगे तो किसी एक को हमने रेस्ट मानना है और एक को मूव कराना है, ठीक है ना। एक को रेस्ट मान लो, दूसरे को मूव कराओ। अब हम ऐसा मान लेते हैं कि P2 रेस्ट में है, P2 क्या है, रेस्ट में है, तो P1 यहां से मूव करना शुरू करेगा, और मूव करके यहां आएगा तब तो क्रॉस करेगा ना, क्रॉस करना चाहिए बिल्कुल सामने से, ऐसे जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ऐसे समझो, एक पार्टिकल इधर जा रहा है, एक पार्टिकल इधर जा रहा है। तो इस ये जो पार्टिकल है, यहां हमने इसको रेस्ट मान लिया है, यहां हमने क्या मान लिया, रेस्ट में। तो इस पार्टिकल को क्या करना पड़ेगा, इधर से घूम के और इसके सामने आना पड़ेगा। तुम समझ रहे हो हम जो बोल रहे हैं, देखो इसे इस फिगर से ज्यादा क्लियर समझ में आएगा कि अगर ये पार्टिकल P2 यहां है, इसको जो हम रेस्ट मान लिए, तो ध्यान रखना कि क्रॉस करने के लिए सामने से आना पड़ेगा, इसको ध्यान रखो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे 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 आएगा, ऐसे क्रॉस करे या कोलिजन करे, सामने से करना पड़ेगा, समझ में आ रही बात। तो ये अगर P2 रेस्ट में है तो P1 को ऐसे मूव करके ऐसे पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर कितना है, इन्होंने फेज डिफरेंस करा, देखो डेल्टा फाई अगर हम लिखना चाहे बेटा, तो यहां से यहां तक 60 प्लस यहां से यहां तक 80 180 प्लस यहां से यहां तक 60 कितना आ रहा है बताओ, यह आ जाएगा 300 डिग्री आ गया, टोटल आ गया 300। अब जब 300 है तो सिंगल का कितना फेज होगा, तो हमने 2 से डिवाइड करना, 2 से डिवाइड कर लो यार, तो 51 इज इक्वल टू आ जाएगा 300 अपॉन 2 मतलब 150 डिग्री आ जाएगा, 150 डिग्री, ठीक है। अगर हम इसको लिखें, अगर हम इसको लिखें फाइव वन इज इक्वल टू, इसको हम लोग अगर पाई के टर्म में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 5 पाई बाई 6 का 30 डिग्री, 30 इंटू 5 150 आ जाएगा। तो 5 पाई बाई 6 जब हमको आ गया तो हम लोग इजिली टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करना होगा, पाई के टांग को तोड़ो, क्या बच गया, टी, और नीचे 2 से डिवाइड करो, तो टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा 5 टी, एक टांग तोड़ा टी और नीचे 2 से डिवाइड कर दो, ये हम पहले पढ़ चुके, तो 5t/12 ये टाइम, इतना टाइम में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा। ये बात समझ में आ गई, बोलो, बहुत अच्छा। तो हम लोग क्या समझ रहे थे, हमने इसमें दोनों चीजें देख ली, क्या देख लिया भाई, देखो हमने ये देख लिया कि जब एक दूसरे के टुवार्ड्स आ रहे हैं तो टाइम कितना लगेगा, कैसे कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं करना है, एक को रेस्ट मानो, एक को मूव करा लो, और सिंगल पार्टिकल कितना फेज कवर किया उसको निकाल लो, और फिर टाइम तो निकाल ही सकते। और दूसरा पार्ट इसका था, दूसरा पार्ट था कि जब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तब जो है टाइम कितना लगेगा। तो जान समझ लो कि जब भी कोलिजन करना हो ना, हमने क्या कहा, कोलिजन की तरफ सोचेंगे, रिलेटिव मोशन की तरफ सोचेंगे, तो जब भी कोलिजन कराना हो तो दोनों सामने सामने से करेंगे, और सामने सामने से करने के लिए इसको यहां से ऐसे मूव करना पड़ेगा, और एक कोरिस्ट मान। चलो तो ये चीजें हम लोग समझ गए, तो इसको आप नोट कर लो। एक चीज हम लोग और समझते हैं, है ना, जो इसे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें हम लोग थोड़ा सा ट्रिक समझ लेते हैं ना। पहले वाला क्वेश्चन क्या था,
इससे पहले वाला एक क्वेश्चन जो हम लोग बात कर रहे थे ना, इस क्वेश्चन में क्या था कि टू पार्टिकल्स था हमारे पास और यहां हमने कहा था कि जो है कितना आता था, फेज डिफरेंस कितना रहा था 60 डिग्री आ रहा था और मैक्सिमम सेपरेशन क्या था ए, ठीक है। इसका ट्रिक देख लेते, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि दो पॉइंट ले लेंगे, मतलब एक पार्टिकल, दोनों पार्टिकल ले लेंगे पी वन पी टू और मीन पॉइंट हम लोग ले लेंगे, इसमें सही है। और यहां जो हो जाएगा मैक्सिमम सेपरेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, जैसे हमने किया मैक्सिमम सेपरेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, जितना तो मैक्सिमम सेपरेशन दिया, और एक पार्ट के लिए एंगल निकाल लो। एक पार्ट के लिए एंगल कितना जाएगा बताओ, फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री एक पार्ट के, तो डेल्टा फाई जब लिखना हो ना तो टू से मल्टीप्लाई कर, मतलब 60 डिग्री ऐसे कर सकते। जैसे एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, इफ एग्जाम्पल सारा चीज सेम है, इफ मैक्सिमम सेपरेशन रूट टू ए दिया हुआ, मान लो रूट टू ए दिया, मैक्सिमम सेपरेशन कितना दिया हुआ है, मैक्सिमम यहां पूरा लिख लेते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैक्सिमम सेपरेशन इक्वल टू रूट टू ऐसे कुछ दे रखा, तो रूट टू दिया है तो क्या करना पड़ेगा भाई, इसको मैक्सिमम दिया है रूट टू ए यहां से यहां तक, पी वन है भाई ये पी टू है, मीन पॉइंट कहीं यहां होगा बेटा, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो तो रूट टू, यार यहां करके देख लो रूट टू ए बाई टू करोगे तो कितना आ जाएगा, वन बाय रूट टू आ जाएगा ना, तो भाई यहां रख लोगे वन बाय रूट टू ए, यहां भी रख लो वन बाय रूट टू ए आ जाएगा, तो वन बाय रूट टू ए क्या आ गया एक पार्ट का, एक पार्ट का एंगल वन बाय रूट टू कितने साइन का एंगल 45 का, तो हमको फाई पता हो गया 45 डिग्री एक पार्ट का निकाल लिए, और डेल्टा फाई निकालना हो तो टू से मल्टीप्लाई कर दो, टू इंटू 45 मतलब 90 डिग्री, तो नाइट ट्रिक है। यानी मैक्सिमम सेपरेशन टाइप क्वेश्चन आ जाए कि दो पार्टिकल है और उसके पास मैक्सिमम सेपरेशन दिया हो, फिर फेज डिफरेंस निकालना हो उसको हाफ पार्ट में डिवाइड करो, एक पार्ट के लिए एंगल निकालो और फिर टू से मल्टीप्लाई कर दो, फेज डिफरेंस निकल जाएगा। हम समझते हैं यहां तक समझ में आया होगा, तो इसको आप नोट कर लो, है ना, इसको आप नोट कर लो। ये तो नोट हो गया होगा, अगला भी नोट कर लो भाई, चलो देखो ये वाला नोट कर लो, ठीक है, चलो ये नोट हो गया, नेक्स्ट में हम लोग नोट कर लेते हैं भाई, ये वाली नोट कर लो, इसका सेकंड पार्ट, बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास देखो, करा वन पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन एंड अदर एट एक्सट्रीम पोजीशन एंड मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन, तब हमको टाइम निकालना, ठीक है ना, समझना है। फर्स्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, देखो हमारे पास क्या है, ऐसे समझो ये है एक्सट्रीम पोजीशन और ये है मीन पोजीशन, है ना भाई, एक्सट्रीम पोजीशन पर और मीन पोजीशन पर पार्टिकल है, वन पार्टिकल मीन पोजीशन पर, इसको अपन पी वन मान ले भाई, चलो पी वन मान लिया, और एक है एक्सट्रीम पोजीशन पर। अब इसमें समझना है, मेन पोजीशन इस डायरेक्शन मूव कर सकता है, बट एक्सट्रीम पोजीशन पर जो पार्टिकल है उसके पास मूव करने के लिए बाउंडेशन है, एक्सट्रीम पोजीशन के बाद पार्टिकल हमेशा मीन की तरफ मूव करना शुरू करता है, तो ऑलरेडी एक्सट्रीम पर है तो क्या इस डायरेक्शन में जाएगा, तुम कहोगे नहीं जाएगा सर, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर तो है तो इधर तो जा नहीं सकता, जब भी जाएगा मीन पोजीशन की ओर जाएगा, यानी पी टू तो इस डायरेक्शन में आएगा, तो पी टू का डायरेक्शन तो हमेशा इसी डायरेक्शन में रहेगा, अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो फिर ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छा, तो अब हमारे पास क्या है कि हमने क्या किया, यहां पी टू यहां पी वन मान लिया, अब हमको हमने जैसा बताया कि आपको कोलिजन कराना है, ट्रिक हमने बताया कोलिजन कराना, आपको रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट यूज करना है, रिलेटिव मोशन में हम लोग क्या करते हैं एक पार्टिकल को रेस्ट मान लेना, तो किसको रेस्ट मान ले भाई, यदि हम पी टू को रेस्ट मान ले तो P1 को यहां से यहां तक जाने में कितना फेज कवर करना पड़ेगा, यानी मीन से एक्सट्रीम तक जाने में कितना फेज 90, तो हम यहां लिख सकते हैं डेल्टा फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एक के लिए निकल जाएगा, हमने बताया डेल्टा फाई अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा भाई 90 बाय 2 मतलब 45 डिग्री, और 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, हम लोग लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू 45 डिग्री मतलब पाई बाई फोर लिख सकते हैं,
और जब पाई बाई फोर हमको पता हो गया तो हम अब टाइम निकाल सकते हैं। कैसे? हमने बताया है टी इज इक्वल टू पाई का एक टांग तोड़ो तो बच गया टी, और टू से नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो फोर इंटू टू कितना आ गया टी बाई एट। तो यहाँ टाइम जो लगेगा टी बाई एट लगेगा। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है किसी को? बोलो। तो ये क्लियर हो गया हमको, फर्स्ट पार्ट तो पता हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड पार्ट देखते हैं जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होता तब देखते हैं, ठीक है ना। तो यहां देखो सेकंड पार्ट क्वेश्चन का, यहां क्या है कि ये जो है एक्सट्रीम पोजीशन पर पार्टिकल है और इसको हमने क्या माना है P2 तो हमेशा इसी डायरेक्शन में चलेगा, और ये मीन पोजीशन भाई यहां है तो पार्टिकल को यहां है पार्टिकल तो सेम डायरेक्शन में चलने के लिए P1 को इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। अब यहां देख लो P2 तो हमेशा इसी डायरेक्शन में चलेगा लेकिन सेम डायरेक्शन में चलने के लिए P1 को किधर चलना होगा, इस डायरेक्शन में चलना होगा, तो हमने ये डायरेक्शन ले लिया। अब क्या दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया? तुम कहोगे हाँ सर दोनों सेम डायरेक्शन में। तो अब समझना है, यदि हम P1 को रेस्ट में मान ले, यदि P1 को रेस्ट में मान ले ठीक है, तो P2 को कितना चलना पड़ेगा। देखो यदि यहां हमारे पास P1 है, इधर कितना है बताओ, इधर है हमारा 90, इधर एंगल बनेगा 90 फेज है, इधर भी 90 है ना। अब देखो अब क्या होगा कि P1 तो यहां रहेगा रहेगा है ना इस डायरेक्शन। अब देखो समझना, अब P2 को क्या करना होगा, P2 को चलना होगा ठीक है, P2 यहां से चलेगा ऐसे और यहां ये हो गया P2, सामने आना चाहिए ना। तो P2 जब यहां से चला भाई यहां से चलेगा ना P2, तो P2 यहां से चला तो कितना फेज कवर किया 180 डिग्री, और फिर यहां पहुंचा तो यहां से यहां तक कितना है 90, तो ये 90 डिग्री ये दोनों कवर किया है ना। तो हमारे पास कितना जाएगा अगर हम फेज डिफरेंस देखें तो कितना 180 प्लस 90 270 आ जाएगा 270 डिग्री, ठीक है 270 डिग्री टोटल कवर हुआ। अब सिंगल ने कितना करा, हम क्या करेंगे phi1 निकाले तो क्या लिख सकते हैं डेल्टा phi अपॉन 2, तो भाई 270 अपॉन 2 कितना आता है 135 डिग्री, और इसको क्या लिख सकते हैं 3π/4, देख लो 3π/4, तो phi1 कितना आ गया 3π/4। और जो हमको फेज पता होगा टाइम निकाल सकते हैं, यहाँ देखो 3 रखो और पाई का एक टांग करो हो जाएगा टी, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 × 2, तो टाइम कितना आ गया 3t/8, ये आ गया 3t/8। क्लियर है भाई? तो बात समझ में आ गई होगी कि अगर दोनों सेम अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो कितना टाइम लगेगा एक दूसरे क्रॉस करने में t/8, और दोनों जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो P1 को हमने रेस्ट मान लिया, P2 पहले यहां जाएगा 180, फिर यहां से इधर जाएगा इसके सामने आके ऐसे, यहां से देख रहे हो ना यहां से ऐसे जाएगा 180, फिर यहां से इधर जाएगा 90, तो टोटल फेज हमको हो गया 270। सिंगल ने कितना कवर करा, तो हमने phi1 निकाल लिया, 2 से डिवाइड कर दिया, और फिर जो है इसको रेडियन में कन्वर्ट किया 3π/4, और पाई के एक टांग तोड़ो टी आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 3t/8। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, तो इसको नोट कर लो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। तो चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है समझना, नेक्स्ट में है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है समझो, कह रहा है वन पार्टिकल इज एट a/√2। चलो बहुत बढ़िया यार, चलो यार रखो, यहां जो है मीन पोजीशन है ना, और एक पार्टिकल को रख दिया कहां a/√2 पर, बहुत अच्छा। क्लियर है भाई? a/√2 पर रख दिया, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। अब इसके बाद देखो दूसरा पार्टिकल है ना, अदर को कहां रखना है √3a/2 पर, चलो बहुत बढ़िया यहां रख दिया -√3a/2 रख दिया, बहुत अच्छा। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, कह रहा है और ये दूसरे से अवे दूर जा रहा है, अवे ना, मूविंग अपोजिट डायरेक्शन एंड अवे, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन मतलब ये कुछ इधर जा रहा है और ये पार्टिकल कुछ इधर जा रहा है, ठीक है भाई, बहुत अच्छा। तो यहां से a/√2 फेज निकालना, ए को वन मानो, 1/√2 मतलब 45 डिग्री, तो ए एंगल कितना दिखा, तुम कहोगे 45 डिग्री, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। अच्छा अब ए एंगल कितना दिखा 60 डिग्री, √3/2 60 का वैल्यू होता है, तो इधर कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है ना। यहां से एक्सट्रीम पोजीशन का टोटल 90 होता है, ए 60 हुआ तो इधर 30 हो जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं समझो,
इसको मान लिया हमने P1, इसको हमने मान लिया P1 फर्स्ट पार्टिकल, इसको मान लिया P2 सेकंड पार्टिकल, ठीक है। अब देखो, अब क्या है कि यहां जो है ना, हम P2 को ध्यान देना, P2 को रेस्ट मान ले और P1 को मूव करा लिया, ठीक है ना। P2 को हमने रेस्ट मान लिया और P1 को मूव करा लिया, बहुत बढ़िया। तो P1 क्या करेगा, देखो P1 जो है ना, ये जो है कैसे मूव करेगा, यहां है, यहां से चलेगा ऐसे, ऐसे आएगा, ये है P1 और ये है P2 इधर, ठीक है। अब देखो यहां से कितना फेज हुआ 180, इधर कितना है 45 तो था ही, इधर चलाते हैं 45 डिग्री चलेगा और यहां आएगा, फिर ये कितना चलना होगा इसको सामने आने के लिए 30, यहां से चला 45, फिर यहां आया 180, फिर यहां से यहां तक 30 चलना पड़ेगा, तो हो जाएगा 30। क्लियर है। तो अब हमारे पास टोटल, हम डेल्टा फाई निकाले तो कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान देना, डेल्टा फाई इक्वल टू क्या जाएगा, 45 डिग्री बहुत बढ़िया, प्लस 180 डिग्री बहुत ही अच्छा, प्लस 30 डिग्री, है ना। तो ये कितना आ जाता है बोलो, तो ये आ जाएगा 45 को अपन लिख सकते हैं क्या, पाई बाई 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर, इसको लिख लेते हैं पाई, इसको लिख सकते हैं पाई बाई 6 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं सर, बहुत अच्छा। तो अब जो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा ध्यान देना, तो 2 और 6 का कितना आ जाएगा बोलो, 2 है ना, ये आ जाएगा 12, ठीक है, 12 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हो जाएगा 3 पाई प्लस 12 पाई प्लस 2 पाई, ये आ जाएगा, तो आ जाएगा 17 पाई बाय 12, हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, डेल्टा फाई आ गया 17 पाई बाय 12। अब डेल्टा फाई आ गया तो हम लोग फाई 1 निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फाई 1 निकाल सकते हैं, ठीक है ना, फाई 1 निकाल सकते हैं। तो फाई 1 का वैल्यू जो आ जाएगा, ध्यान देना, फाई 1 इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय 2, तो हो जाएगा 17 पाई बाय 12 बाय 2, हो जाएगा 17 पाई बाय 12 बाय 2, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास कितना जाता है, क्या जाता है, 17 पाई बाय 24 आ गया, फाई 1 पता हो गया हमको 17 पाई बाय 24। और जब हमको फाई 1 पता हो गया, ध्यान देना, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब टाइम निकाल सकते हैं, कैसे, यहां देखो टाइम आ जाएगा हमारे पास, इसके एक पैर को तोड़ो तो हो जाएगा टी 17t, और डिवाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाता है टाइम, 17t/48, तो टाइम ही आ जाए, ठीक है, यही इसका आंसर आए। तो बात समझ में आ गई होगी, है ना, तो इसको आप नोट कर लो, फिर आगे की बात हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग पढ़ चुके हैं, हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं, तो अगर हमको लिखना हो, देखो हम लोग लिखेंगे इन ऐसे लिख लें, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, लिख लिए, बहुत अच्छा। अब हम जानते हैं, वी नो दैट, वी को क्या लिख सकते हैं, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यही रिलेशन होता है टाइम वाले टर्म, ठीक है ना, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसको हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं पहले, है ना, का रिलेशन हम जानते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो हो जाएगा हाफ एम, और वी की जगह रख लो भाई ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, हो जाएगा बेटा, इसको स्क्वायर कर लो तो हो जाएगा हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, हो जाएगा, यहां लिख सकते हैं हाफ एम, है ना, हाफ एम ए स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं के बाई एम, क्या लिख सकते हैं के बाई एम, और हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, हम चाहे तो लिख सकते हैं वेयर वेयर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, ये हमने पता, ठीक है। तो भाई देखो एम और एम तो कैंसिल हो जाएगा,
तो हमारे पास क्या बचेगा, हाफ के ए स्क्वायर, यहां हमारे पास बचेगा हाफ, ठीक है ना, बचेगा हाफ के ए स्क्वायर, है ना, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ये आ जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, काइनेटिक एनर्जी आ गया टाइम के टर्म में। अब देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहां होता है, मीन पोजीशन पर, हम बताएं इससे पहले हमने बताया है कि मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो, ये हम बता चुके, सबको याद भी हो, काइनेटिक एनर्जी यहां जीरो होता है, मीन पोजीशन पर मैक्सिमम, मीन पोजीशन पर टाइम का क्या वैल्यू लेंगे, जीरो। तो हम ऐसा करते हैं, यहां जो है लिख लेते हैं एट मीन पोजीशन, है ना, एट मीन पोजीशन, ठीक है भाई, एट मीन पोजीशन की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन टी इक्वल टू जीरो रखते हैं भाई, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर, यहाँ कॉस टी जीरो रखोगे तो कॉस स्क्वायर जीरो आ जाएगा, और कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है, वन, तो वन यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो आया, हम लिख सकते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वह कितने के बराबर आ जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है ना, मैक्सिमम काइनेटिक, तो मीन पोजीशन पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, ध्यान दो, इधर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, इधर हो जाएगा टी, तो कॉस का ग्राफ आएगा ना, ठीक है, तो ये तो सब पॉजिटिव ही आएगा भाई, स्क्वायर है ना, ये कुछ इस तरीके से आएगा, है ना, यहां देखो, यहां जो हो जाएगा यह मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा ना, और ये हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर, ये हो जाएगा, और यहां जो हो जाएगा टी, ये होता है टी बाई फोर, है ना, यहां जो होता है बेटा टी बाई टू, यह हो जाएगा थ्री टी बाई फोर, और हो जाएगा टी, तो ए इसका ग्राफ आएगा, इसका ग्राफ आएगा, समझ में आ रही बात ना, ए इसका ग्राफ आएगा, इसका काइनेटिक एनर्जी और टाइम के बीच इस तरह का ग्राफ आएगा। तो हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया, इसके टर्म में, टी के टर्म में, मैक्सिमम कहां होगा, मीन पोजीशन पर, विच इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, इसको ध्यान रखना है, और इसका ग्राफ जो है काइनेटिक एनर्जी और टी का ये आ जाएगा। तो यहां तक सबको समझ में आया होगा, इसको नोट कर लो, ठीक है ना, ये काइनेटिक एनर्जी का फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं अपन। अब देखो सेकेंड में हम लोग देखते हैं ना, सेकेंड पॉइंट में क्या सिचुएशन है, ठीक है, सेकेंड पॉइंट, अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अभी हमने लिखा हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ जाएगा, हमें लिखेंगे हाफ, हम जानते हैं एक रिलेशन, हम जानते हैं वी का, एक्स के एक्स के एक्स के टर्म में भी वेलोसिटी लेना हो, याद होगा सबको, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करो, यहाँ जाएगा, अगर हम इसमें रखें देखें तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी का वैल्यू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट का होल स्क्वायर, यहाँ जाएगा, तो हो जाएगा वन बाई टू एम, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं, है ना, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, के बाई एम, ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे के बाई एम इसमें रख लेंगे, ठीक है ना, के बाई एम इसमें रखेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाता है, देखो हाफ एम और ओमेगा स्क्वायर की जगह रख लो के बाई एम और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। तो अब समझना कि एम और एम तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, हाफ, है ना, हाफ के, है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रिलेशन है। तो हम यहां कह सकते हैं, समझ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वन बाई टू के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको ध्यान रखना है एक्स के टर्म में, अभी टाइम के टर्म में हमने निकाला था काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, एक्स के टर्म में, पोजीशन के टर्म में हम लोग ये ध्यान रखेंगे काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर एक ग्राफ हम देखें तो ये ग्राफ जो है ना पाराबोलिक है, ठीक है ना, पाराबोलिक,
ओपनिंग डाउनवर्ड। कैसे देखो, यहां अगर हम लिखे जैसे ये जो टर्म है इसको हम थोड़ा सा अगर लिखे तो लिख सकते हैं हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो ये कुछ आएगा ए माइनस बी एक्स स्क्वायर के टर्म, वाई इक्वल टू ए माइनस बी एक्स स्क्वायर। और ए इक्वेशन होता है पाराबोला का ओपनिंग डाउनवर्ड, देख रहे हो ना, ए की जगह पर ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है, ये भी कॉन्स्टेंट है, बी की जगह पर होगा एक्स स्क्वायर, तो ए जो है पाराबोलिक ओपनिंग डाउनवर्ड। ठीक है, तो इसका ग्राफ हम लोग जब ड्रॉ करेंगे बड़ा सिंपल है, ठीक है ना, इसका ग्राफ तो आएगा आएगा। पहले हम एक चीज और इसमें नोट कर लेते हैं, ठीक है, एट मीन पोजिशन, एट मीन पोजिशन, मीन पोजीशन पर x का वैल्यू यदि जीरो है हमारे पास तो हम यहाँ लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा भाई मीन पोजीशन पर, और ये कितना हो जाएगा हाफ के, और x का वैल्यू जीरो रख दोगे तो हाफ के ए स्क्वायर। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहे टाइम से कैलकुलेट करो आप, टाइम वाले इक्वेशन से काइनेटिक एनर्जी का हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी से, या फिर आप जो है एक्स वाले टर्म से करो, सेम आएगा काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर आ जाए। अगर हम ग्राफ की बात करें जब भी हमने बताया था, तो ग्राफ देखो यार कैसे निकालते हैं ग्राफ, है ना, अगर मान लो ये जो है काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास और इधर है एक्स, क्या है एक्स बोलो, तो अब हमारे पास क्या आएगा समझना, इस पॉइंट पर ना, इस पॉइंट पर आएगा हाफ के ए स्क्वायर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है, और ये जो है ना ये कुछ इस तरह का ग्राफ आए, ठीक है, यहाँ हो जाएगा माइनस ए और यहाँ हो जाएगा प्लस ए, ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ आएगा काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी और एक्स के बीच, काइनेटिक एनर्जी और टी के बीच हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, काइनेटिक एनर्जी और एक्स के बीच का एक ग्राफ, ठीक है ना, पाराबोलिक ओपनिंग डाउनवर्ड। अब एक चीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो यदि एवरेज काइनेटिक एनर्जी लेना हो, देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी लेना हो, ठीक है ना, थर्ड पॉइंट में लिख लेते हैं भाई, यहीं लिख लेते हैं थर्ड पॉइंट, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एवरेज का साइन है कहां से, जीरो टू टी, एक कंप्लीट ओसिलेशन। अब यहां देख, यहां जो है ना अगर हम एवरेज इसका ले तो इसका एवरेज तो ये तो कॉन्स्टेंट वही रहेगा, और इसका एवरेज लेना पड़ेगा तो कॉस स्क्वायर का एवरेज जो होता है या साइन स्क्वायर का एवरेज होगा वन बाय टू वैल्यू होता है, इसको याद ही रखना, तो इसका आ जाएगा हमारे पास हाफ के ए स्क्वायर तो होगा होगा, और कॉस स्क्वायर का हो जाएगा वन बाय टू, देखते हैं दिखना चाहिए हाफ के ए स्क्वायर वन बाई टू, हाँ ठीक है दिख रहा है बहुत अच्छा। तो हमारे पास क्या आ जाता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो लिख सकते हैं के ए स्क्वायर बाई फोर, ठीक है ना, ए आ जाए एवरेज काइनेटिक एनर्जी एक कंप्लीट ओसिलेशन में जीरो टू टी टाइम पीरियड में जो आएगा वह आएगा के ए स्क्वायर बाई फोर। और यहां जो है ना इस इक्वेशन से देख रहे हम लोग कि काइनेटिक एनर्जी कहां एक्सट्रीम पोजिशन पर, देख रहे हो ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन को डिनोट कर रहा है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है, ठीक है ना, तो पहले आप इसको नोट कर लो, है ना, फिर आगे की बात करते हैं। यहां तक हमको उम्मीद है सबको समझ में आया, नेक्स्ट में हम लोग जो बात करने वाले हैं देखो सिंपल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, है ना, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखते हैं, बहुत सिंपल है, हम लिखेंगे वी हैव एक रिलेशन हमारे पास ना, और हम इसको जानते हैं वर्क एनर्जी में पढ़े, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी, सही होता है। अब एफ को डीएक्स से मल्टीप्लाई कर लो यार, हो जाएगा एफ डी एक्स, है ना, एफ डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी, एफ का वैल्यू रख लो, है ना, नहीं यहाँ माइनस तो नहीं है, एफ डी एक्स रहेगा ना, चलो अब यहाँ हम लोग रखते हैं माइनस के एक्स एफ का वैल्यू, ठीक है, और इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी, तो ए माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, तो हम लोग ऐसा करते हैं इसको जो है माइनस डी, अब ऐसा करेंगे इसको इंटीग्रेट कर देंगे, माइनस के एक्स डी एक्स माइनस डी यू, ठीक है, अब देखो यहाँ एक्स का वैल्यू जीरो रखते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हमने मान लिया यू नोट है, और जब x का वैल्यू x है और पोटेंशियल एनर्जी यू, ये माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो हो जाएगा हाफ
के एक्स स्क्वायर के बाहर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू और एक्स स्क्वायर बाय टू, एक्स रखोगे तब भी वही आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। यहां जो आ जाएगा वह क्या आ जाएगा, डी यू का तो यू हो जाएगा, अपर लिमिट रखो यू माइनस यू नॉट। तो हम यहां लिख सकते हैं यू का जो वैल्यू यू नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमने हमने क्या करना समझना, यहां यू नॉट जो है यू नॉट इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। जैसे मान लो कि अगर हमारे पास कोई स्प्रिंग है ना इस तरीके से, ठीक है, और क्या होगा ये नेचुरल पोजीशन में, क्या है नेचुरल पोजीशन में, ऐसे समझते हैं, और इस पर कोई मास हमने हैंग कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि कुछ समय बाद इस मास की वजह से ये तो ये मीन पोजीशन है, सॉरी ये नेचुरल पोजीशन, इस मास की वजह से वेट लेगा हम जी, तो ए स्प्रिंग क्या होगा धीरे धीरे नीचे आएगा। तो जैसे ही नीचे आएगा तो एक्स में तो मतलब स्प्रिंग में क्या होगा एक्सटेंशन होगा, स्प्रिंग बढ़ेगा, एक्सटेंशन को एक्स मान ले, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि स्प्रिंग फोर्स इस पर क्या लग रहा है के एक्स माइनस के एक्स, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में इधर जो लग रहा है माइनस के एक्स, ये एक्स क्या है जो एक्सटेंशन है एक्स ए है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा समझना कि जैसे जैसे एम जी नीचे आएगा एक्स में ऐसा आएगा कि इधर का फोर्स और इधर का फोर्स इक्वल हो जाएगा, स्प्रिंग जब इलोंगेट हो जाएगा कितना, जब स्प्रिंग को हम खींचते हैं और स्प्रिंग में एक्सटेंशन जब एक्स हो जाता है उस केस में ये जो स्प्रिंग फोर्स है और एम जी है दोनों क्या होता है इक्वल हो जाता है। तो जब दोनों फोर्स इक्वल हो गया तो नेट फोर्स यहां क्या दिखेगा जीरो, और नेट फोर्स जब जीरो होगा तो इसी को तो बोलते हैं अपन मीन पोजीशन, क्या बोलेंगे मीन पोजीशन। तो अब ये बताओ कि जब ये जो है ब्लॉक जो है ना, या फिर कहें कि स्प्रिंग का जब मीन पोजीशन आया तो उस समय इसमें एक्सटेंशन है कि नहीं है, तुम कहोगे एक्स डिस्टेंस एक्सटेंशन है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा नहीं होगा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा, यदि एक्स बढ़ गया तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी को हमने क्या माना है यू नॉट, क्या माना है यू नॉट, इसीलिए हमने लिखा है यू नॉट इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, क्लियर है, चलो ठीक है। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो भी हो सकता है या कुछ वैल्यू भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देख ले, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता हो गया कि जो पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग में वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा यू नॉट प्लस हाफ के एचसीएम करेगा वो, है ना, एचसीएम करेगा तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा यू नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है। अब यहां देखो सिंपल है, अगर हम इसको देखें तो हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि अगर समझना अगर हम लोग ऐसा करें, ठीक है, ऐसा करें कि यहां जो है इक्वेशन लिखे y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, ए प्लस बी एक्स ऐसा दिख रहा स्क्वायर देख रहे हो, ए अब प्लस इसकी जगह पर b मान लिया एक्स स्क्वायर, एक इसका इक्वेशन है पाराबोला का ओपनिंग अपवर्ड, तो इसका जो ग्राफ बनेगा है ना, इसका जो ग्राफ बनेगा ठीक है ना, वह कैसे बनेगा देख लेते, ठीक है। इसमें दो केसेस ले लेते हैं हम लोग, है ना, दो केस ले लेते हैं, एक केस एक चीज और इसमें नोट कर लेते हैं फिर हम ग्राफ बनाए, ठीक है ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें अगर हम ऐसे लिखें और ना u इक्वल टू यू नॉट प्लस हाफ के x का वैल्यू क्या लिख सकते हो a साइन ओमेगा t लिख सकते हो क्या, तो हम लिख सकते हैं a साइन ओमेगा t के स्क्वायर, u का जो वैल्यू आएगा u नॉट प्लस हाफ के a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t आ जाएगा ना। तो टाइम के टर्म में पोटेंशियल एनर्जी इतना होगा और x के टर्म में पोटेंशियल एनर्जी u नॉट प्लस हाफ के x स्क्वायर होगा। अब इसमें फर्स्ट केस है, मान लो हम लोग ऐसा कर लेते हैं केस फर्स्ट, ठीक है,
u नॉट इज इक्वल टू जीरो, u नॉट को हमने जीरो मान लिया, क्या मान लिया u नॉट को जीरो, तो हम लिख लेंगे केस फर्स्ट में व्हेन u नॉट इज इक्वल टू जीरो ऐसे दिया। तो जब u नॉट जीरो होगा, देख लो u नॉट जब यहां जीरो होगा u का वैल्यू क्या हो जाएगा, u हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टाइम के टर्म में, यू नोट यहां जीरो रख लो भाई तो यही टर्म बचेगा ना, तो क्या आ जाएगा हाफ यू इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, दिख रहा हो ये बच्चा हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी जब यू नोट जीरो होगा, दिख रहा है हाँ ठीक है वेरी गुड। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, इसका ग्राफ यदि हम ड्रॉ करें तो कैसा दिखेगा, अगर हम ग्राफिकली इसको चेक करें, ध्यान देना, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी है और एक्स है, इसके बीच ग्राफ हमको लेना हो तो हमारा ग्राफ कुछ थोड़ा अच्छा से ड्रॉ करेंगे, ध्यान दो, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा u, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से है ना, इस तरीके से ये ग्राफ आए और ये जो होगा ये मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर, यहाँ u मैक्सिमम होगा हाफ के x, ठीक है x का वैल्यू यदि हम ये ले तो, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग समझ गए कि u और x में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। अब इसको आप नोट कर लो फिर आगे की बात करते हैं ना। नेक्स्ट में देखो तो ये हमारे पास आ गया, ये जो है ना यहां ध्यान रखना है इस पॉइंट पर, ये जो है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ना, और इसको अपन बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट मिन पोजीशन, या फिर इसी को बोल सकते हैं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, तो यू नॉट को मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं या पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, ठीक। चलो ये फर्स्ट पॉइंट हमने मान लिया था, अब इसका सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं ना, सेकंड पॉइंट, चलो सेकंड पॉइंट हम लोग देखें, कह सकते हैं इफ के सेकंड में इफ यू नॉट नॉट इक्वल टू जीरो, यू नॉट जब जीरो नहीं, ठीक है ना, तो क्या होगा देखो हम यहां लिख सकते हैं u इज इक्वल टू u नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, u नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, तुम कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं, और u इज इक्वल टू u नॉट प्लस हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसे भी लिख सकते हैं टाइम के टर्म में, है ना, टाइम के टर्म में आ जाएगा जब u नॉट जीरो नहीं होगा, है ना, और x के टर्म में आ जाए। अगर हम इस दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, देखो कैसे आएगा ग्राफ, ठीक है ना, एक चीज और है, एक ग्राफ जो है ना हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं फिर आगे बात करेंगे, ठीक है ना, तो थोड़ा सा नीचे रख ले, ठीक है, तो एक ग्राफ हमारा आ जाता है, ठीक, एक ग्राफ जो अभी हमने बताया था, ठीक है, यहाँ जो इक्वेशन लिया था देख लो, यहाँ जो इक्वेशन लिए थे ये ग्राफ तो x वाले का आ गया, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें ये टाइम वाले टर्म का तो क्या आता है देखो, अगर u नॉट जीरो है तो ये हमारे पास t है और ये हमारे पास u है ना, अब यहाँ यहाँ से जो ग्राफ आएगा वो तो कुछ इस तरह का, अच्छा से ड्रॉ करेंगे, इस तरह ग्राफ आएगा ना, और ये जो होगा मैक्सिमम होगा हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा, ये ग्राफ आएगा u और t के बीच। अगर हम देखें जब हमने इसके सेकंड में इक्वेशन लिख ही लिया है कि u नॉट जीरो नहीं, तब ग्राफ कैसा आएगा, ये x है और ये क्या है u है ना, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का, ये
ये आ जाएगा, यहां से यहां तक जो है वह क्या है यू नॉट है ना, यू नॉट ये ग्राफ आ जाएगा, ग्राफ सेम ही रहेगा केवल यू नॉट डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी यही होगा, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें ये टी है और ए यू है ना, तो ये कुछ इस तरह ग्राफ है ना, तो यहां भी ये जो है यू नॉट डिस्टेंस यहां से यहां तक ये शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, यू नॉट डिस्टेंस ऊपर चला, ऐसे समझ लेते हैं ना। तो ये ग्राफ आएगा जब यू नॉट जीरो नहीं होगा, तब जो है यू और एक्स में, यू और टी में ये ग्राफ होगा, और यू यू का जो इक्वेशन होगा एक्स के टर्म में होगा जब यू नॉट जीरो नहीं होगा तो, और टी के टर्म में ये, क्लियर। चलो अब हम लोग बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में क्या है देखो, थर्ड पॉइंट में हमारे पास है यदि हम यू मैक्सिमम लिखना चाहें, ठीक है, तो मैक्सिमम होगा जब एक्स का वैल्यू ए हो, तो हम लिख सकते हैं यू इज इक्वल टू यू नॉट प्लस हाफ के ए स्क्वायर, यहां जो है एक्स का वैल्यू ए पर मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। अब ऐसे भी लिख सकते हैं यू मैक्स जब यू नॉट जीरो हो जाए, ये तो हो जाएगा जीरो प्लस हाफ के ए स्क्वायर, तो यू मैक्स जो आ जाएगा वह क्या आ जाएगा हाफ के ए स्क्वायर जब यू नॉट जीरो, और जब यू नॉट जीरो नहीं होगा तब ए रिलेशन रहेगा एक्स इक्वल टू ए, ठीक है ना। अब एक कैसे हुआ देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई स्प्रिंग है ना, और ए इसका मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, ठीक है। अब इसको हम लोग खींच के छोड़ देते हैं, ठीक है ना, खींच के छोड़ दिया तो ये क्या होगा, ये इधर आएगा और पार्टिकल को कहीं यहां आ जाए, यहां जाएगा मास सेम, ठीक है। तो जैसे हमने खींच के छोड़ा तो पहले इधर गया होगा, फिर ये जो है इस डायरेक्शन में आएगा, इसको कंप्रेस करेगा, मान लो कंप्रेस किया एक्स डिस्टेंस, मैक्सिमम कंप्रेशन करे, जैसे इसको खींच के छोड़ेंगे तो पार्टिकल इधर जाएगा, फिर यहां से ऐसे आएगा, बोलो, फिर यहां से आके इसको मैक्सिमम कंप्रेस करेगा, तो जैसे ही मैक्सिमम कंप्रेस करेगा, जैसे यहां से इसको मैक्सिमम कंप्रेस करेगा, तो मैक्सिमम मीन पोजीशन से, ध्यान रखना मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा वही इसका क्या कहलाता है, एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगा। नहीं देख रहे हो ना, मेन पोजीशन से इसको कंप्रेस करेगा और कहां तक कर सकता है, इस पॉइंट तक मैक्सिमम, तो ए इसका एक्सट्रीम पोजीशन, फिर कंप्रेस करने को इधर जाना शुरू हो जाए, ठीक है। तो यहां जो है ना, यहां जो है जब इसको कंप्रेस कर रहा होगा, ध्यान देना, जब इसको कंप्रेस कर रहा होगा तो क्या स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी आएगा, तुम कहोगे हाँ सर आएगा, और यह पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितने के बराबर होगा, कहां होगा, जितना ज्यादा मैक्सिमम कंप्रेस करेगा उतना मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो, तो मैक्सिमम कंप्रेशन कहां तक हो सकता है, एक्सट्रीम पोजीशन तक, मैक्सिमम कंप्रेशन कहां तक हो सकता है, एक्सट्रीम पोजीशन तक हो सकता है, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि उससे ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकता, फिर तो इधर जाना, इसीलिए हमने लिखा है एक्स इज इक्वल टू ए पर, और मैक्सिमम कंप्रेशन कहां हो रहा है एक्सट्रीम पर, एक्सट्रीम पर एक्स का वैल्यू क्या होता है, ए होता है, मतलब एम्पलीट्यूड है ना, तो ये जो हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पर आया तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी उसके पास होगा, यानी एक्स इजिकल टू ए पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, इसीलिए हमने लिखा एक्स इजिकल टू ए, यानी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ के स्क्वायर जब यू नॉट जीरो नहीं होगा तब, और जब यू नॉट जीरो होगा तो ए हो जाए, ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट अगला जो हम लोगों के पास है वह है फोर्थ पॉइंट में, ठीक है, फोर्थ पॉइंट में हमारे पास है यू का यदि हम एवरेज वैल्यू ले जीरो टू टी तो आ जाएगा यू नॉट प्लस हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर, और यहां देखो क्या है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर का एवरेज कितना होगा वन बाई टू, हमने भी बताया साइन कॉस का एवरेज वन बाई टू होगा, ध्यान रखना है, तो साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू हो जाएगा वन बाई टू, तो हमारे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा यू नॉट प्लस के ए स्क्वायर बाई फोर आ जाएगा, तो यू का ये वैल्यू आ जाएगा जीरो टू टी के,
टाइम एक कंप्लीट ऑसिलेशन की बात हो रही है ना, एक कंप्लीट ऑसिलेशन की बात हो रही है तो जीरो टू। यदि यू नॉट का वैल्यू जीरो हो जाए, यदि यू नॉट का वैल्यू जीरो हो जाए तो यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, एवरेज क्या आ जाएगा, जीरो टू के भी यू नॉट जीरो हो जाए तो के ए स्क्वायर बाई फोर इफ यू नॉट इजकल टू जीरो। यदि यू नॉट जीरो हो तो ये ध्यान रखना है कि हमारे पास के ए स्क्वायर बाई फोर आएगा, और यू नॉट जीरो नहीं होगा तो यू नॉट प्लस के ए स्क्वायर बाई फोर। क्लियर है? तो हमने इसमें देख लिया कि यू नॉट जीरो नहीं होगा तो क्या ग्राफ आएगा, है ना, यू मैक्सिमम का वैल्यू क्या होगा और कहां मैक्सिमम होगा। सिमिलरली हमने देख लिया कि एवरेज का वैल्यू क्या आएगा, मतलब एवरेज पोटेंशियल एनर्जी एक कंप्लीट ऑसिलेशन में क्या आता है। ठीक है, तो हम समझते हैं यहां तक सबको समझ में आया होगा, तो इसको आप एक बार नोट कर लो, फिर आगे की बात करते हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट में है मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। मैकेनिकल एनर्जी को टोटल एनर्जी भी हम लोग बोल सकते हैं ना, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ, ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे मैकेनिकल एनर्जी इजकल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अभी हमने निकाला है ना, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाला है हाफ के एक्स स्क्वायर जब यू नॉट जीरो है ना। तो अब हमारे पास क्या आता है, इसको अगर हम लिखें तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो क्या ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, वेरी गुड। तो हमारे पास आ जाएगा हाफ के ए स्क्वायर, तो मैकेनिकल एनर्जी कितना आ गया, हाफ के ए स्क्वायर। तो पोजीशन वाले फार्मूला से हमने यूज करके निकाला तो मैकेनिकल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर आ गया। एंड अगर हम टाइम वाले फार्मूला से निकाल कर देखते हैं, एंड मैकेनिकल एनर्जी इजकल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ठीक है ना, तो काइनेटिक हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर, है ना, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी अभी निकाले हैं हाफ के ए स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यही हमने निकाला। टाइम के टर्म में पोटेंशियल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और काइनेटिक एनर्जी हाफ के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब इसमें कॉमन क्या हो सकता है, हाफ के ए स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लो, तो हमारे पास क्या आ जाता है, क्या जाता है, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, यही आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का तो वैल्यू वन हो जाएगा, तो मैकेनिकल एनर्जी जो हमारा आएगा वह आएगा कितना, हाफ के ए स्क्वायर, यही आ जाएगा, ठीक है ना, हाफ के ए स्क्वायर। तो दोनों केस में हमने मैकेनिकल एनर्जी जब कैलकुलेट किया तो सेम आया, विच इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो बड़ा सिंपल हो जाएगा, टी ले लो या एक्स ले लो, सेम ग्राफ आना है भाई, इधर मैकेनिकल एनर्जी ले लिया अपन, तो ये आ जाएगा इस तरह का ग्राफ, हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है, ये ग्राफ आएगा मैकेनिकल एनर्जी। टाइम के साथ लो, टाइम के साथ तब भी वही आएगा, और एक्स के साथ लो तब भी हाफ के ए स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। अब यू नॉट जीरो न हो, ठीक है ना, तब क्या आ जाएगा, तब मैकेनिकल एनर्जी जो आएगा, ध्यान देना, ठीक है ना, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू यू नॉट प्लस हाफ के ए स्क्वायर आ जाएगा। इफ U not not is equal to zero. जब जीरो नहीं होगा तो ए रिलेशन आ जाएगा, U not plus half के, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट में हम लोग जो बात करने वाले हैं, है ना, ठीक है, तो यहां तक तो चीजें समझ में आई होगी। अब इसका हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं, है ना, इसका हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज कैसे निकालेंगे, तो भाई देखो, जैसे अगर इसका एवरेज लेना हो तो हाफ के इस पर ही आए, और देखो यहाँ यहाँ देखो यहाँ जो एवरेज लेना है, जैसे इससे पहले जो हम लोग काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज लेते थे तो दोनों के इक्वेशन में साइन या कॉस का टर्म होता था, बट मैकेनिकल एनर्जी के केस में साइन कॉस का कोई टर्म नहीं है, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आया है विच इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। तो इसका एवरेज जो होगा, ध्यान रखना है, मैकेनिकल एनर्जी का एवरेज जीरो टू टाइम के बीच होगा, वह हमेशा होगा हाफ के ए स्क्वायर, ये ध्यान रखना है।
ना, इसको ध्यान रख। इसमें क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसमें साइन और कॉस आता था, तो साइन कॉस का एवरेज हम लोग 1/2 लेते थे, तो के स्क्वायर बाई 4 आ जाता, बट इसमें साइन और कॉस है ही नहीं, तो हमारे पास एवरेज आएगा हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां तक सबको समझ में आया होगा, आप इसको एक बार नोट कर लो, फिर आगे की बात करते हैं ना। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ना, नोट में हमारे पास है देखो, पहला लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ना, वेलोसिटी एंड ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ, ऐसे लिख लें, ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्प्लेसमेंट ना वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है ना, एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को अपन ए लिख रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि यहां एक्स का वैल्यू हमने क्या बताया था, ए साइन ओमेगा टी, ध्यान है, उसी तरह वी का वैल्यू हमने क्या बताया था, ए साइन ओमेगा टी ना, उसी तरह हम वी का वैल्यू बताए थे ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, बताए थे ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। उसी तरह हम लोग एक्सेलेरेशन निकाले थे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। अब याद है, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लिखें, पोटेंशियल एनर्जी क्या आता था, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी ना। उसी तरह काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये रिलेशन था, याद होगा। अगर हम इसको लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ के ए स्क्वायर वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई टू, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको लिख सकते हैं हाफ के ए स्क्वायर वन प्लस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन टू, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है भाई। अब यहां देखो, यहां टू ओमेगा टू टू, अब देखो यहां जो हमारे पास है, यहां फ्रीक्वेंसी क्या है ओमेगा, यहां फ्रीक्वेंसी क्या है ओमेगा, यहां फ्रीक्वेंसी क्या है ओमेगा। अब जब पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाला तो पोटेंशियल एनर्जी साइन स्क्वायर के टर्म में आया, तो अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करें तो कॉस आया, और वन इसका फॉर्मूला हमने रखा था, यहां अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर ले, ये तो कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लाई कर लो या ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर हम इक्वेशन देखें तो यहां फ्रीक्वेंसी क्या दिख रही है, टू ओमेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी एसएचएम होगा, नहीं होगा एसएचएम होगा, और उसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, ठीक है ना, किससे डबल हो जाएगी, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सीलरेशन, ये सभी से इनकी फ्रीक्वेंसी डबल हो। उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी यहां क्या आ गया, देखो टू ओमेगा, तो यहां भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ही हमने लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये तीनों से मतलब वेलोसिटी ले, डिस्प्लेसमेंट ले, एक्सेलरेशन, इसका फ्रीक्वेंसी डबल होगा, किसका, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे अगला पॉइंट में, तो इसको नोट करो है ना, अगला पॉइंट हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट में। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, और वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, सेकंड में फ्रीक्वेंसी ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज जीरो, मैकेनिकल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जीरो होगा। थर्ड पॉइंट हम लोग बात करेंगे, ध्यान देना, थर्ड पॉइंट हमारे पास है कि अगर हमने एक ड्रॉ करना है, बड़ा सिंपल है, तो ध्यान दो, ठीक है, ये है भाई एक्सट्रीम पोजिशन, और इधर भी हो जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन,
और यहां हो जाएगा मीन पोजीशन, क्या हो जाएगा मीन पोजीशन, ठीक है, यहां है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है ना, मीन पोजीशन वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यह मिनिमम होगा, इज इक्वल टू यू नॉट। मैकेनिकल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, मैकेनिकल एनर्जी होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ठीक है ना। तो काइनेटिक पोटेंशियल क्या है, यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, लिख लें इसको, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये हो। तो हमें पता हो गया मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी यू नॉट ले लिए। तो मैकेनिकल एनर्जी होगा पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, तो पोटेंशियल यू नॉट और काइनेटिक मैक्सिमम। अगर हम यहां देखें तो वेलोसिटी यहां मिनिमम होगा और ये कितने के बराबर होगा, जीरो के। काइनेटिक एनर्जी यहां क्या होगा, मिनिमम होगा, ये भी कितने के बराबर होगा, जीरो के, है ना। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यहां मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम। अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो क्या होगा, काइनेटिक तो जीरो, यानी यहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम के बराबर आएगा, ये ध्यान रखना। मैकेनिकल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम, मैकेनिकल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, ठीक है ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ जीरो हो जाएगा। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो, लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, पोटेंशियल एनर्जी है मैक्सिमम। उसी तरह हम यहां लिख सकते हैं भाई, ध्यान देखो यही तो एक्सट्रीम पोजीशन है ना, तो वी मिनिमम है ना, वी मिनिमम इस केस में हम लिखें तो वी मिनिमम क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है ना। और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम क्या हो जाएगा, जीरो, बहुत अच्छा। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा और मैकेनिकल एनर्जी कितना आएगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम के इक्वल आएगा, ये ध्यान रख। तो ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है, जो ये है वही ये आएगा और ये मीन पोजीशन, ठीक है, क्लियर है यहां तक, बोलो। चलो नेक्स्ट में हम लोग जो है ना, पहले इसको नोट कर लो, इसको आप नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट में क्वेश्चन इस पर देखते हैं कैसे आता है ना। तो बात समझ में आ गई, चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं। देखो एक बात ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जीरो होगा, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी में कोई साइन या कॉस का टर्म आता नहीं है, कॉन्स्टेंट वैल्यू आता है, तो उसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता, इसका ध्यान रखते। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एनर्जी इन एसएचएम इज ई, क्वेश्चन हमारे पास, इसका सोल्यूशन करते हैं भाई। एनर्जी इन एसएचएम इज ई, है ना, यानी हम लोग ई इक्वल टू लिखे, लिख सकते हैं हाफ के ए स्क्वायर, लिख सकते हैं, बहुत अच्छा। फाइंड काइनेटिक एनर्जी एट हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ के, है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, तो हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर और माइनस, अब हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड लेना है ना, तो यानी एक्स की जगह रखेंगे ए बाई टू, एक्स की जगह क्या रखना होगा, ए बाई टू के स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आता है, वन बाई टू के, है ना, वन बाई टू के ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा हाफ के थ्री ए स्क्वायर बाई फोर, यही आ जाएगा, फोर माइनस फोर ए स्क्वायर माइनस थ्री, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर बाई फोर, है ना, और हाँ ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थ्री बाई फोर यहाँ लिख लिया, और इसको लिख सकते हैं हाफ के ए स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, तो हाफ के ए स्क्वायर की जगह पर ई लिख सकते हैं, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो आ जाएगा वो आ जाएगा थ्री बाई फोर, है ना, और इसकी जगह पर ई रख लो तो ई, तो ई आ जाएगा काइनेटिक, जो हमसे पूछ रहा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेयर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है,
तो काइनेटिक इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कर लो, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। तो हाफ के से हाफ के तो कैंसल, तो ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो इधर बचेगा, एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाओ तो एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, है ना। और यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा ना भाई, बोलो स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख लेते, तो ए रूट में हो गया, तो हो जाएगा ए बाई रूट 2 प्लस माइनस, है ना, ए बाई रूट 2 प्लस माइनस ऐसे लिख सकते, इजिकल टू प्लस माइनस ए बाई रूट 2, ये आ गया, ठीक है। तो कह रहा है कि कहां जो है ना काइनेटिक और पोटेंशियल इक्वल होगा, तो x इजिकल टू ए बाई रूट 2 और माइनस ए बाई रूट 2 पर मैक्सिमम होगा। अब यहां देखो बड़ा सिंपल है, अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें, है ना, तो कैसे ड्रॉ करें ग्राफ, ध्यान दें, अगर हमारे पास ये आ गया तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है, ये हो गया क्या पोटेंशियल एनर्जी, है ना, और ये जो हो गया काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो इस पॉइंट पर कट कर रहा है, ये जो पॉइंट है ए पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा ए बाई रूट टू, है ना, और ये जो पॉइंट हो जाएगा ध्यान देना ये हो जाएगा माइनस ए बाई रूट टू, ठीक है, ए बाई रूट टू और माइनस ए बाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या ध्यान देना काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, और ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। और टोटल एनर्जी ड्रॉ करना हो तो बड़ा सिंपल है, ठीक है ना, यदि टोटल एनर्जी ड्रॉ करना हो ये कुछ ऐसे है, ये टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कह सकते हैं भाई, ठीक है, ये मैकेनिकल एनर्जी, थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये काइनेटिक हो गया, ये जो है पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हो गया, ये जो है मैकेनिकल एनर्जी का ग्राफ, ठीक है, और यहां जो आएगा हाफ के ए स्क्वायर, तो इस तरह का ग्राफ है। तो जिस पॉइंट पर एक कट करता है ना उस पॉइंट पर काइनेटिक, यहां हमने निकाला है कि जिस पॉइंट पर एक कट किया उस पॉइंट पर काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों सेम होता है, ठीक है। तो इसको आप एक बार नोट कर लो, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं ना। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है ध्यान देना, ठीक है, नोट में हम लोग लिख लें। तो हम लोग एक ड्रॉ कर सकते हैं क्या, ठीक है, यहाँ जो है काइनेटिक हो जाएगा पोटेंशियल या फिर मैकेनिकल, तीनों को ड्रॉ करते हैं ना। अगर देखो ये हमारे पास आ जाएगा, अच्छा से ड्रॉ करेंगे, तो बड़ा हो गया, ठीक है, अब यहां या फिर कुछ और ही तरीके से काट देते, ऐसा कुछ है ना,
इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ये जो हो गया ना, ये जो हो गया मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक पोटेंशियल मैकेनिकल, ये हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर, है ना। और ये जो पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा के ए स्क्वायर बाई फोर, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ जो आएगा वो क्या आता है, टी बाई थ्री, फिर जो आता है फाइव टी बाई थ्री टाइम, फिर जो आता है सेवन टी बाई, ऐसे ध्यान, ठीक है। तो एक ग्राफ हमको ध्यान रखना है ना, एक ग्राफ में पोटेंशियल काइनेटिक, और जिस जिस पॉइंट पर एक कट कर रहा है ना, देखो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट, तो ये पॉइंट पर पोटेंशियल और काइनेटिक इक्वल, ठीक है। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं, और पहले इसको नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं ना। नेक्स्ट एक चीज इसमें हमको ध्यान देना है, टाइम को जरा देख लेंगे क्या हमने टाइम सही रखा है। देखो एक्चुअली हुआ क्या था, यहां से ये सिचुएशन है ना, और यहाँ ए बाई रूट टू पर है ना, हम कह सकते हैं कि ए बाई रूट टू पर ये जो है ना कट कर रहा है, देख रहे हो, ए बाई रूट टू पर। तो पहला तो आएगा ए बाई रूट टू, ए बाई रूट टू का टाइम निकालते हैं। तो यहाँ से अगर हम टाइम निकालें तो ए बाई रूट टू का मतलब हो गया वन बाई रूट टू, और वन बाई रूट टू मतलब पाई बाई फोर, और टाइम निकालना हो तो इसका टांग तोड़ो, टी आ जाएगा, और टू से मल्टीप्लाई कर दो तो फोर इंटू टू, यानी टी बाई एट। ये हमने यहाँ गलत लिख दिया, इसको थोड़ा सुधार कर लेते हैं टाइम को, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा टी बाई एट, ठीक है। चलो ये बात क्लियर। अगेन जो है ना, इस पॉइंट पर आके ए बाई रूट टू आएगा, है ना, जब इधर से घूम के आएगा ए बाई रूट टू, तो यहाँ यहाँ मिलेगा, यहाँ का टाइम निकाल लेते हैं। तो यहाँ अगर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तो 180 है ना फेज, तो यहाँ से यहाँ तक तो हो जाएगा टी बाई टू, लेकिन टी बाई यहाँ आता तो टोटल टाइम लगता टी बाई टू, बट यही रुक गया ना, तो ये है टी बाई एट, तो ये भी हो जाएगा टी बाई एट, यानी टोटल टी बाई टू में से टी बाई एट माइनस कर दो, तो टी बाई टू माइनस टी बाई एट तो कितना आ जाता है, थ्री टी बाई एट आ गया, देख रहे हो ना। यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा टी बाई टू, बट यहाँ तो पार्टिकल आया नहीं, यहीं पर क्रॉस किया ना ए बाई रूट टू पर अगेन, तो यहाँ से यहाँ तक का टी बाई, मतलब टी बाई टू से टी बाई एट पहले क्रॉस कर गया, यानी टी बाई टू में से टी बाई एट माइनस कर दो, यानी थ्री टी बाई एट, सही है, थ्री टी बाई एट, उसी तरह फाइव टी बाई एट, ऐसे टाइम आया, ठीक है। नेक्स्ट कट करेगा सेवन टी बाई एट, उसी तरह नेक्स्ट कट करेगा नाइन टी बाई एट, ऐसे, ठीक है, इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट में कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन पर, हम इसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी बताओ। यदि हम पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन की बात करें तो अभी बताया है यू नॉट, यू नॉट का वैल्यू कितना दिया है 4 जूल दिया हुआ, चलो बहुत अच्छा। एंड मीन काइनेटिक एनर्जी, ध्यान देना काइनेटिक एनर्जी नहीं दिया है, मीन काइनेटिक एनर्जी दिया है 3 जूल, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जब मीन है, मीन काइनेटिक एनर्जी 3 जूल है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा मीन के डबल होगा हमेशा, तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी जो लिखेंगे वो आएगा 2 इंटू 3 मतलब 6 जूल, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी निकाल सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी है 6 प्लस पोटेंशियल एनर्जी है 4, तो कितना आ जाता है 10 जूल, तो मैकेनिकल एनर्जी जो आ जाएगा इस केस में 10 जूल, ठीक है भाई। चलो अगला है हमारे पास क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, यहां तक तो समझ में आ गया होगा सबको। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहां देखो मीन काइनेटिक एनर्जी जो दिया हुआ है ना, और काइनेटिक एनर्जी, जैसे हमने मीन काइनेटिक एनर्जी क्या निकाला है भाई, के ए स्क्वायर बाई फोर, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है के ए स्क्वायर बाई टू, है ना, तो ए हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो मीन में जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ए आएगा, देख रहे हो मीन है के स्क्वायर बाई फोर, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा के ए स्क्वायर बाई टू, यानी जो मीन का वैल्यू दिया है ना उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, इसीलिए जो मीन काइनेटिक एनर्जी दिया है 3 उसमें 2 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा काइनेटिक एनर्जी आ गया 6 जूल, ये बात समझ में आ गई। अब अगला है हम लोगों के पास यू का वैल्यू, यू का वैल्यू दिया हुआ है,
यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स। अब कह रहा है कि मीन पोजीशन बताइए, तो मीन पोजीशन पर फोर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो। तो हम पहले फोर्स निकाल लेते हैं, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा, माइनस डी अपॉन डी एक्स है ना, और यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स। तो क्या आ रहा है, माइनस तो रहेगा रहेगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स और फोर एक्स का हो जाएगा माइनस फोर और सिक्स का तो जीरो हो जाएगा, कोई बात नहीं। मीन पोजीशन पर फोर्स जीरो, तो हमारे पास क्या जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं टू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो है ना। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, फोर बाई टू मतलब टू है ना, एक्स का वैल्यू टू, यानी मीन पोजीशन जो आएगा, मीन पोजीशन एक्स इजकल टू टू पर आएगा। और एक्स इजकल टू टू पर मीन पोजीशन आया तो एक्स इजकल टू टू पर ही मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको यदि हम लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं यू मिनिमम इजकल टू हमारे पास एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखना होगा, टू टू रखना होगा ना, तभी तो मिनिमम होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे टू का स्क्वायर माइनस फोर एक्स, फोर्स का वैल्यू एक्स का वैल्यू टू प्लस सिक्स, तो कितना हो जाता है फोर माइनस एट प्लस सिक्स, तो फोर आप प्लस सिक्स टेन माइनस एट टू जूल है ना। तो यू मिनिमम जो आ जाएगा वह टू जूल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप एक बार नोट कर लो, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, ठीक है, और फिर जो है इसको नोट कर लो, ठीक है। तो हम समझते हैं यहां तक सबको समझ में आया होगा, अगर कहीं डाउट है तो वीडियो को एक बार फिर से देखो है ना, और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।